कीजिए ना साहब, ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे, उसके बाद दीवार है उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहां मैदान में सबको मारा। और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला, क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का एफ आई आर हो गया और एफ आई आर होके हो गए, देखो वहां था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने दे दिया। कुएं में हम लोगों ने तेल, हम कुएं में वो लोग आज इकट्ठा हो गए, ये सारे बहुत बड़ा खड्डा था सवार जैसा, इधर से तो आए इधर से चढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए, फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, मरते मरते बोले तू भी जा तो तू काहे को बचता, तू भी आ जा सर, उसमें सब ताजा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर सब उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कारवा भरा, रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वालों ने हमको फ्री दिया था, बच्चों को औरतों को कायदे से कटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटने से हो कुछ मारो काटो जला ना, अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इतने बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है, वो लोग बहुत लोगों ने लूटने मेरे, अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या, अपना ये सब वीडियो वाला आया था मीडिया वाला, उसको भी चला दिया था। हाँ और मैं बहुत लोगों जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है हमको माल, जय माता जी को तिलक लगाया और बोले जय श्री राम जय माता जी भी हुआ, तो काम तो वो फाटेकांड का बहुत अच्छा हुआ सब। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व संस्था है, हिंदू संस्था है सब, राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं, अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए पीट के आए कैसा लगता है, मजा आता है ना सब, उसको मार के आए, मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया, मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे कर दिया, सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, तो फायर गया था जीप के अंदर घुस गया था, तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए, तो बोलते पुलिस वाले बोलता बोले इन्हें मारी इतना, उसको बोले मार ही डालना जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको पूरे थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया। तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। तो जेल में आप बताइए ना छुड़वाया किसने, बताइए उनको कैसे छुड़वाया। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हमने छूट सकते थे। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर डेढ़ 4.5 महीना हो गए, फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी, बाहर आ गए हम लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले हिंदुत्व के लिए।